हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल आई टेक किड्स। देखो दोस्तों, चैनल पे अपना लोगो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैं आज आपको सबसे इजी तरीके से अपना एक अच्छा पहचान लोगो बताना बताऊंगा, जो कि आपके यूट्यूब में पहचान बनेगा। तो लोगो कैसे बनाया जाए, बहुत ही इजी तरीका है लोगो बनाने के लिए। मैं आपको बहुत एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पर टाइप करना है गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग बैकग्राउंड, सीके बैकग्राउंड, ओके। और ये इमेज में चले जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप ये वाला देख लो, इसमें ये देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको आप पहले सेव कर लो, इसमें टैप करना है, यहाँ पे डाउनलोड इमेज आएगा, ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको अपने सीधा पिक्स आर्ट ऐप में जाना है। चलिए वहाँ चल के बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए पिक्स आर्ट, ये पिक्स आर्ट बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे आपको अपना बैकग्राउंड ले लेना है, ये जो अपन वो डाले हैं वो, ठीक है। अब अपने हिसाब से जो भी है डाउनलोड कर लेना, कोई भी ऐसा नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे बैकग्राउंड अपने मन से जो आपको जचे वो डाउनलोड कर लेना। और देखो भाइयों, और मेरे चैनल का नाम है आई टेक रील्स, तो मैं अपने चैनल का जो फर्स्ट लेटर रहता है वो लूँगा यहाँ पे, तो नीचे में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा, ये रहा आपका टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई। तो मेरे जैसे चैनल का नाम है आई टेक रीड्स, तो मैं फर्स्ट लेटर आई लिखूँगा, तो कैपिटल में आई ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। ये आई ले लिया, आई लेने के बाद अब यहाँ पे आपको फॉन्ट चूज़ कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आई, यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉन्ट हैं, जो भी आपको अच्छा से लगे आप वो चूज़ कर लेना। मैं वैसे ये मैं जैसे ये ले रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। हाँ, अब ये ले लिया। अब इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है, तो आपको इसमें क्या करना है, देखो दोस्तों, अगर इसमें यहाँ पे अगर टच, ये जो लेटर है ना, इसमें आपको टच करके रखना है, तभी वो जो सारे ऑप्शन हैं एडिट करने के ऑप्शन ओपन होंगे। देखो ये टच कर रहा हूँ तो बाकी सारे ऑप्शन आ गए, और हटा दूँगा तो ऑप्शन गायब हो जाते हैं, तो आपको टच करके रखना है लेटर को, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, ये जैसे यहाँ पे कोई भी कलर है, ये देखिए रेड ग्रीन जो भी अच्छा लगे, वैसे मैं वाइट लेना क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है, तो वाइट और अच्छा उभरेगा, ओके। ओके, स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या होता है, ये जो लेटर है ना उसके अगल बगल जो बाउंड्री है ना वो कलर में आती है, जैसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे जो भी अच्छा लगे आप ले लो, वैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे येलो, क्योंकि मेरा गोल्डन रिंग है तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, ओके। और यहाँ पर ये देखिए ऑपोजिट, नहीं ये नहीं, शैडो, शैडो में क्या करना है आपको, नहीं शैडो का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आपको नेक्स्ट लेटर टाइप करना है, तो फिर से टेक्स्ट में जाओगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखना है आपको आर। मेरे जैसे चैनल का नाम है आई टेक रीड्स, तो सेकंड लेटर आर है, तो यहाँ पे आर कैपिटल में ले लेना आप, ठीक है। ये आर, फिर राइट पे क्लिक, इसको थोड़ा जूम कर लो। अब इसके लिए भी कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, मैं वैसे ले रहा हूँ, मैं ये नहीं, ये नहीं, ये आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, ऊपर नीचे जाते हुए, आई बड़ा लग रहा है तो आई को थोड़ा छोटा कर लो, आराम से, आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, जितने आराम से करोगे उतना अच्छा बनेगा ये। थोड़ा
थोड़ा आई बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें भी टच करेंगे, अब इसमें भी ये जो स्ट्रोक लिख है नीचे में थर्ड नंबर पे, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अब इसके भी बाउंड्री डालना है अपने को, तो थोड़ा डिफरेंट डालते हैं यहाँ पे रेड, रेड ऐसे ही लग रहा है अपने को, ठीक है दोस्तों रेड। अब क्या करना है, अब आपको बता रहा था शेडो, शेडो में क्या होगा जो लेटर से जो नीचे में जो लाइट निकलती है वो रहती है, तो यहाँ पे जो कलर देना दे दो, यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो, वो भी दिखेगा नहीं आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मैं लिया ये ग्रीन कलर, ठीक है ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कलर के बगल में ऑप्शन है पोजिशन पर, यहाँ पर ओपेसिटी है, यहाँ पर टच करना है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना, बढ़ा देना 100। ओके अब सेम ये काम आपको करना है आई के साथ भी, आई में टच करना है आपको, फिर इसके भी शेडो में क्लिक करना है आपको, और इसमें भी ग्रीन डालते हैं अपन ये। अब फिर यहाँ पे ऑपोसिटी में जाना, इसको 100 कर देना, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ओके अब आपको कुछ नहीं करना है, ये हो गया आपका। अब बाहर एक बार मेन स्क्रीन में टच कर दो, ये हो गया टच। अब यहाँ पे थोड़ा और उभारने के लिए यहाँ पे लेंस, लेंस लगाना है आपको, मैं बता रहा हूँ थोड़ा अच्छा लगे, ताकि यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल, चलो ये ले रहा हूँ। अब ये लेंस यहाँ पे आ गए, इसको यहाँ पे लिया वहाँ पे दिखेगा नहीं, तो इसको थोड़ा ऐसे घुमा लो इसको थोड़ा, नहीं इसको नहीं, स्क्रीन को भी ध्यान दो ये। अब ये यहाँ पे ऑलरेडी रिंग के पास चमक रहा है, तो यहाँ पे इसको लगा दो तो था कि और भी अच्छा होगा ये, मतलब थोड़ा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे इस टाइप से। और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, अच्छा तो ये कलर ठीक रहेगा यहाँ पे, थोड़ा लाइट पड़ रहा है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ओके अब हो गया ये, अब फिर से एक बार लेंस में जाना है आपको, और एक ये वाला लेंस लगे, ये थोड़ा अच्छा लगता है यार। अब इसको भी थोड़ा घुमा लेंगे और थोड़ा साइड बढ़ा लेंगे इसका, जैसे कि ये थोड़ा और बढ़ा लो इसको, पकड़ा जा एक मिनट, ये क्या हो गया इसको, हाँ ये ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आगे पीछे करके इसको, ठीक है, ताकि लैटरिन लगे इसमें कुछ आ रहा है करके। अब यहाँ पे इसके भी कलर डार्क बढ़ा दो, ये ग्रीन तो थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओके अब आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको बस राइट क्लिक करके सेव कर लो आप, बस यहाँ पे सेव करना है, ये कुछ आ रहा है इसको रुको, होने दो बस, कैंसिल करो और इस सेव, सेव टू योर डिवाइस, हो गया सेव। अब कुछ नहीं करना है आपको, फिर से पिक्स आर्ट में जाना है दोस्तों, नहीं इसको बाहर निकल जाओ ना आपको, ठीक है फिर से नहीं, पहले इसको बंद कर दो पिक्स आर्ट को। अब आपको फिर से पिक्स आर्ट में जाना है अपने, वेट वेट अभी कैंसिल, जो आप अपना लोगो बनाए रहोगे वो सामने में आ जाएगा आपके, यहाँ प्लस में क्लिक करना है, ये रहा आपका लोगो जो मैं अभी बनाया हूँ, मैं आपके सामने में ये रहा, वेट करो क्या जो है हथियार, बस ये लोगो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो ब्यूटीफाई है ना इसमें जाना है, ये ब्यूटीफाई नीचे में दिख रहा है 1 2 3 4th नंबर का ऑप्शन, इसमें जाना है और यहाँ पे डायमंड कलर का दिख रहा होगा डिटेल, इसमें क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो इसका डिटेलिंग बढ़ जाएगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, आप पेंसिल पर क्लिक है, यहाँ पे पेंसिल पर क्लिक है तो आप डिटेल तो ठीक है, साइज़ देख लेना यहाँ पे, साइज़ 30 है तो अपने हिसाब से कर लेना, अब कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने लेटर के पर में आपको वो करना है, फिल करना है बस ये अपने लेटर के पर फिल करने के बाद अच्छे से फिल कर देना आपको, ये दिख जाएगा नहीं आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके जो रिंग है ना उसमें भी फिल वो करना है कलर, ताकि रिंग लाइट थोड़ी
डिटेल दिखे, मतलब चमके थोड़ा, ये रहा। अब देखो मैं एक बार टच करके दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर, ध्यान से देखो दोस्तों। ये देखो फ़र्क पता चल रहा है, थोड़ा स्लाइट है। हाँ अभी डिटेलिंग थोड़ा और बढ़ा दोगे तो और डिटेल हो जाएगी। देखो ये देखो दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये और एकदम यूनिक बन गया है आपका आइकन। इसको सेव कर लो। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है आपको लोग। आप ऐसे अपने कोई भी नाम का लोगो बना सकते हो और उसको अपने चैनल पे लगा देना, अगर आप न्यू चैनल वाले, न्यू चैनल है तो आपका, क्योंकि ये आपको पहचान बनेगा। जो कोई भी आपका वीडियो देखेगा तो आपको इस लोगो से पहचान जाएगा कि आप वही बंदे हो करके। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार, और बस और कुछ नहीं। थैंक यू।